जो हम भ्रमण योगी पहुंच गए मायावी। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 17 दिसंबर है 2023 और आज हम लोग लीमा शहर जाने वाले हैं। हमारा फ्लाइट इवनिंग को है, लेकिन कल आपको हमने बताया था कि अगर वेदर अच्छी रही और बारिश नहीं हुई तो मॉर्निंग में हम लोग मायामी बीच जाएंगे। तो हम लोग चल पड़े मायामी बीच, चलिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है भ्रमण योगी और हम भ्रमण योगीज देश विदेश घूम रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और हम घूमेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। मायामी, सपनों का शहर मायामी। बचपन से सुनते आ रहे हैं मायामी बीचेस के बारे में और ये बचपन से ही हमारे बकेट लिस्ट में है, तो आज ये सपना पूरा होने जा रहा है हमारा। मायामी डेड काउंटी इज ऑफन रेफर टू एज गेटवे टू लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, क्योंकि इसके आसपास में आपको मालूम है कि कैरेबियन आइलैंड्स हैं और लैटिन अमेरिका भी बहुत पास है। मायामी में बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज रहती है, जेनिफर लोपेज, विल स्मिथ, रिकी मार्टिन, जूलियो इग्लेसियस, मेरे को तो इतने नाम भी नहीं मालूम है। हमारे ड्राइवर बताते जा रहे थे कि कितने कितने सेलिब्रिटीज़ इधर हैं। नॉर्थ बीच में एक इंडियन क्रीक आइलैंड है जहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, और नॉर्थ बीच ही नहीं, साउथ बीच में भी रहते हैं, डाउनटाउन में भी रहते हैं। तो यू कैन से दैट आई थिंक दुनिया का हर सेलिब्रिटी यहाँ पर एक तो ठिकाना रखा हुआ है। ये जो वीडियो है इसको आप प्लीज़ एंड तक देखिए, क्योंकि आपको हम कई सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये वीडियो हमारा तीसरा एपिसोड है पेरू सीरीज़ का। पिछला जो दो एपिसोड दिया हुआ है प्लीज़ वो भी आप लोग देख लीजिए, अगर आपने देखा नहीं हुआ है अब आज तक। तो उन वीडियो में हमने इंडिया से यूएस आना और यूएस में एक शहर से दूसरा शहर दैट इज़ मायामी तक पहुँचना हमने दिखाया हुआ है। तो आज हम लोग, जैसा कि पहले भी बोला कि आज हम लोग जाने वाले हैं लीमा में, जो कि पेरू का कैपिटल सिटी है। तो ये हमारा तीसरा एपिसोड, प्लीज़ देखिए। दिस इज पोर्ट मायामी, यहाँ पर सारे क्रूज जाते हैं। Okay, because of the storm? Yeah, they're okay. Ignore it, close in. क्योंकि बारिश और स्टॉर्म हुआ है, इसके लिए काफ़ी सारे क्रूज अभी भी सी में ही है, अभी तक आ नहीं पाए। तो दिस इज रॉयल कैरेबियन क्रूज। अभी आप लोगों ने पोर्ट मायामी देखा, तो यहाँ पर 11 पोर्ट्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में अभी भी है। और आपने क्रूजेस भी देखे, जैसे रॉयल कैरेबियन दिखाया, MSC क्रूजेस दिखाया आपको हमने। इसके अलावा भी काफ़ी सारे, जैसे नॉर्वेजियन, डिस्नी, कार्निवल, वर्जिन वॉयजर्स, ये सब आते हैं। काफ़ी सारे स्मॉल वेसल्स भी आते हैं, लग्जरी क्रूजेस, यॉट्स, ये सब भी यहाँ पर पार्किंग होती है।
there, I'm gonna show you, I'm gonna tell you. This ocean is wide enough for all these over here. Thank God we enter to the ocean. Number one, you know, go swimming. That's where you drop in. If you wanna decide to live where you fit, you know, in the Atlantic. Again, that's a public bathroom, which is very clean. So at the corner, there's the restaurant Friday. All this is ocean wide. You can just walk around there all the way, and then you can make a left and go to Lincoln Road also. Boulevard. Right, that was Apple, it's all this. I'm going to drop you up here, okay? Okay. And, So we are in Miami now, Miami South Beach. वैसा कहा जाता है कि आप लोग अभी यहाँ पर मायामी आके अगर साउथ बीच नहीं गए तो कुछ भी नहीं गए। सन लाउंजर्स देखिए, बारिश नहीं हो रही पर धूप भी नहीं निकली है, अदरवाइज पूरा बीच ये सन लाउंजर्स से भरा हुआ होता। दोस्तों ये समुंदर देखिए, इतना ग्रीन है, ऊपर ब्लू और नीचे ग्रीन। ऐसा लगता है मानो इधर ही बैठ जाए और घंटों तक देखते रहे। साउथ बीच है मायामी का, ये मायामी डाउनटाउन से बिस्केन बे से सेपरेटेड है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका जो आने का रास्ता है क्रूजेस, ये एक्चुअली साउथ बीच और फिशर आइलैंड के बीच से होके यहाँ पर आती है। तो आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी हैव सीन इन मायामी। आपको मालूम है यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूजेस ट्रैवल करते हैं कैरेबियन आइलैंड्स जाने के लिए। वैसे तो मायामी में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे विस्काया म्यूज़ियम, पेरेज आर्ट म्यूज़ियम, वाइनवुड वॉल्स, सी एक्वेरियम। लेकिन कहा जाता है कि साउथ बीच अगर हमने नहीं देखा तो फिर क्या देखा। मायामी इज़ एज यूजुअल वेरी पॉपुलर फॉर इट्स बीचेस। तो नॉर्थ बीच है, मिड बीच है, तो साउथ बीच है। हम तो यहाँ पर साउथ बीच में आए हुए हैं और दिस साउथ बीच इज़ सेपरेटेड बाई बिस्केन बे।
फ्रॉम मायामी डाउनटाउन। और यहाँ का जो ओशियन ड्राइव है, जो रास्ता है एक्चुअली जिसके ऊपर सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं, वो बहुत ही फेमस है। अभी तो मॉर्निंग है, आपको हम बस रास्ता ही दिखा सकते हैं क्योंकि सारे रेस्टोरेंट अभी खुले नहीं हैं। लेकिन सुना है रात का रौनक इस रास्ते का अजब गजब है। तो हम लोग 30th को लौट रहे हैं, अगर हो सके शायद हमारा फ्लाइट दोपहर को पहुँचेगी इधर, तो अगर हो सके तो हम ज़रूर आएंगे और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन देना है और आप ये वीडियो देखते रहिए, तो पहला जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो है वीज़ा। तो वीज़ा कैसे मिलेगा पेरू का? जैसे बाकी कंट्रीज़ में कंट्रीज़ के लिए लगता है आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी होना चाहिए, एयर टिकट्स टू एंड फ्रो आपको लेके रखना चाहिए, फिर होटल स्टे वगैरह भी दिखाना है एंड अदर थिंग्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि नेसेसरी आइटम्स क्या है वीज़ा प्रोसीजर्स के लिए। वैसे तो काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स जो करके देती है, 3,000 से 4,000 के बीच में शायद उसका फ़ीस है और मे बी 1 or 2 weeks लगता है वीज़ा मिलने के लिए। हम लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास US वीज़ा था। वैसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जिनका वीज़ा रहने से आपको पेरू में वीज़ा नहीं लगता है। तो बाकी का कंट्रीज़ कौन कौन सा है आप बोल रहे थे? सिंगल है, कनाडा है। हाँ तो ये सारे ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे दीजिए। हाँ तो ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कौन से कंट्रीज़ के वीज़ा होने से आपको पेरू का वीज़ा अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा। हमारे लिए US वीज़ा था तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों साउथ अमेरिका जाने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस है। इंडिया से मोस्टली दिल्ली फ्लाइट्स वाया यूरोप जाती है और अगर आप US लेते, जैसे हम लोग US से जा रहे हैं, तो मायामी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फेमस गेटवे टू लैटिन अमेरिका, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो हम लोगों ने फ्लाइट सर्च करी फ्रॉम मायामी, तो हम लोगों को स्काई एयरलाइंस, लैटम एयरलाइंस ये सब दिखा हम लोगों को। तो हमने रिव्यूज़ थोड़ा चेक किए और काफ़ी सारे लोगों से बात भी हुई, तो सब ने सजेस्ट किया लैटम एयरलाइंस अच्छा है और उसका टाइमिंग्स वगैरह भी प्रॉपर मेंटेन होता है। तो हम लोगों ने सर्च करके हम लोगों ने फ्लाइट लिया जो कि आज इवनिंग को 5:10 को है और पेरू 10:50 PM तक पहुँच जाएगी। चिकन बोल, एक्स्ट्रा राइस, दिस वन डिश इज $25। फिशन चिप्स और टमाटो बिस्क शादी सूप है, ये ऑर्डर दिया है। इसके पहले हम लोगों ने एक कैरिबियन चिकन का बोल टेस्ट किया हम लोगों ने, उसके बाद ये वाला टेस्ट कर रहे हैं अभी। हम लोग जब लैटम एयरलाइंस रिव्यू कर रहे थे और उसको थोड़ा यूट्यूब में भी हमने सर्च किया, तो हम लोगों को लैटम एयरलाइंस का जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही लाजवाब लगा।
तो आप लोगों को है ना, जब हम फ्लाइट में चढ़ेंगे तो ज़रूर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। América en un viaje sin fronteras. Welcome aboard a new flight with LATAM. We invite you to listen carefully and follow these safety instructions. Por favor, acompáñenos. Please come with us. Guarde el equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento de delante. Carry-on bags must be stowed in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. Pasillos, salidas de emergencia y primera fila deben estar libres de equipaje. Aisles, emergency exits in the first row must be kept clear of luggage. Para abrochar su cinturón, inserte la punta de metal en la hebilla y ajústelo tirando la correa. Para abrirlo, levante la tapa de la hebilla. To fasten your seatbelt, insert the metal clip into the buckle and tighten it by pulling on the loose end of the strap. To unfasten it, lift the top part of the buckle. Señal se ilumine. Fasten your seatbelt whenever the sign is illuminated. Le recomendamos mantener su cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo, aunque la señal esté apagada. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible throughout the flight, even when the fastened seatbelt sign is off. पर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेनिश ही बोल रहे हैं इन लोग, तो देखते हैं हम लोग हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है करेंसी। तो पेरुवियन सोल चलता है, सोल या सोलेस, आई वी रियली डू नॉट नो अबाउट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फिर पेरुवियन सोल बोलते हैं उन लोग। तो डॉलर्स भी चलता है उस कंट्री में, और वन डॉलर करीब करीब 3.5 टू 3.9 में वेरी होता है तो सोल। तो बट इन सम केसेस यू नो, कुछ कुछ जगह पे उन लोग स्पेसिफिकली बोल के देते हैं कि उनको पेरुवियन सोल ही चाहिए एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट डॉलर्स, but most of the places dollars will be okay if you carry dollars. So hum log check in kar rahe hain holiday inn mein Miraflores. Ye room hai hamara, luggage ja chuka hai। पहले आप लोगों को बाथरूम दिखा देते हैं, शावर प्लेस। ये
And then this is the room. काफ़ी स्पेशियस रूम है. वैसे हमने तीन गेस्ट के लिए बुलाया था, मंगाया था, तो ये देखिए ऊपर से हम लोगों को 6th floor में हम लोग हैं अभी. ऊपर से आपको लिमा सिटी दिख रहा है. जगह का नाम मीरा फ्लोरेस है. तो आज के लिए इतना ही. हम लोग अभी बहुत टायर्ड है, सो जाते हैं. गुड नाइट दोस्तों, कल सुबह मुलाकात होगी. आपको हम लिमा शहर दिखाने वाले हैं.